संसार के जो बड़े से बड़े लोग आपके आपको दिखाई देते हैं, अधिकतर जगह पर मीडिया में केवल यही दिखाया जाता है कि बस ये सब खूब पैसा है, इनके पास यहाँ पर एक 30 मंजिला इनका मकान है, इनके अलग अलग 10 कंट्रीज में इनके पास दौलत है, इनके पास अलग अलग उनकी बिल्डिंगें हैं, उनके फ्लैट्स हैं अलग अलग जगहों पर, इनके पास 4-5 करोड़ की गाड़ी है। आपको लगता है कि केवल यही जो ऐश है, यही जो मस्ती कर रहा है, यही जो साधन है इसके पास, बस यही सब कुछ है। यानी कि जितना आपके पास ये लोग, ये जो इतना पैसा, इतने साधन इनके पास है, तो इससे बड़ा मजा लेते होंगे ये जीवन को, तो यही जी रहे हैं, बड़े बड़े लोग ही जी रहे हैं। आपको लगता है, बार बार यही इंप्रेशन आपके दिमाग में बिठाया जाता है कि जो बड़े लोग हैं इसका मतलब है उनके पास बड़ी गाड़ियां हैं, उनके पास बड़े बंगले हैं, उनके पास बाहर के साधन, पैसा, भरपूर पैसा है। आप सोच सकते हैं कि इन लोगों को कितनी टेंशनें होती होंगी। एक बात को दिमाग में जरूर रखना, तस्वीर का दूसरा रुख भी है। बड़े बड़े जो दिस हैं लोग, इनको व्यापे चिंता रोग, ऐसा गुरुवाणी में आता है, तो कितनी टेंशनें लेकर बैठे होंगे। आप जो थोड़ा सा कमाते हैं, आप कितनी टेंशनें लेकर बैठे हैं? आपने अपनी टेंशन देखी, कितनी भर भर के टेंशनें हैं आपके छोटे से जान को, इतनी टेंशनें हैं, इतने दुख हैं, इतनी परेशानियां हैं। जो थोड़ा सा आप कमाते हो कि इस पैसे पर टैक्स कैसे बचाया जाए, इस पैसे के द्वारा कैसे घर की प्लानिंग की जाए, कैसे जीवन को आगे बढ़ाया जाए, कैसे जो बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए कैसे खर्चे बचाए जाएं, इतनी सारी टेंशनें आपको इतने पैसे को लेकर होती हैं। जब पैसा आपसे 100 गुना बढ़ जाएगा तो कितनी टेंशनें होंगी। इस बात को याद रखना, पैसा आएगा, तस्वीर का दूसरा रुख भी है, और वो दूसरा रुख है कि आप टेंशनें भी लेकर आएगा। तो इसलिए मांगना चीजें, अगर मांग रहे हो तो सोच समझ कर मांगना, क्यों मांग रहे हो, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तनाव बढ़ेगा, परेशानियां बढ़ेंगी, दुख बढ़ेंगे। अगर आपने चीजों को मांगा है तो लक्ष्य सामने रखना। लक्ष्य क्या है? क्या आप शांति चाहते हो, आनंद चाहते हो? तो शांति और आनंद ही मांगना। फिर ये जो पैसे और जो मस्ती और जो ऐश जो मांग रहे हो ना, ये मांग गलत है कि ये सब आ जाएगा उसके बाद हम मस्ती करेंगे, उसके बाद कितना मजा आता होगा इन लोगों को। आपको बस यही बड़े लोग दिखाए गए हैं, और ऐसा बनने के लिए मन में प्रेरणा डाली जाती है, मोटिवेट किया जाता है कि बस बड़ा बनना है, बड़ा बनना है। अच्छा, बड़ा बन के क्या कर लोगे बताओ? कहां पहुंच जाओगे बड़े बनकर? इतनी ही तनाव, इतना ही दुख। आपको क्या लगता है, जितने बड़े लोग हैं इनको दुख कम होते होंगे? कितने सुसाइड होते हैं आप जानते हो? कितने बड़े बड़े लोग मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, तकलीफें आती हैं, इनके शारीरिक और मानसिक तकलीफों का कोई अंत है? क्या लगता है आपको? तो इसलिए जरा सोच समझ कर मांगना। परमात्मा मांग तो सारी पूरी कर देगा, आज नहीं तो कल यूनिवर्स से जो मांगोगे पूरा हो जाएगा समय आने पर। लेकिन अगर कोई गलत डिमांड कर ली और वो भी पूरी होगी तो फिर दुखी कौन होगा? आप ही होगे, कोई और नहीं होगा। इसलिए अपनी मांग को सही रखना, क्या मांग रहे हो जरा सोच समझ कर मांगना। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो इस अगर आपको ये समझ में आ रही है तो अपनी मांग को सही करना, गलत दिशा में मत जाना, राइट?